वाल्मीकि महापंचायत ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल तथा गृह मंत्री को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि प्यारे मियां पत्रकार द्वारा पांचों पीड़ित बच्चियों को, जो अनुसूचित वर्ग के हैं, उनमें से एक बच्ची की डर के आगोश में आकर मौत हो गई है। इससे ऐसा लगता है कि यह दवा का असर नहीं, प्यारे मियां की चाल हो सकती है। वाल्मीकि महापंचायत ने मांग की है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने लव जिहाद का कानून पारित किया है, उसी प्रकार से अनुसूचित जाति की बच्चियों के लिए भी फास्ट ट्रैक कानून के माध्यम से कानून पारित कराए जाए, ताकि ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा दिलवाई जा सके। सर्वप्रथम तो मैं इस दुखद घटना के लिए बहुत ही पूरी समाज के साथ रोष व्यक्त कर रहा हूँ। मैं अमित झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि महापंचायत से। आज हमारे जिला अध्यक्ष, संभाग अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय सभी पदाधिकारी आए हुए हैं और समाज में बहुत ज़्यादा रोष है कि अनुसूचित जाति की बच्चियों के साथ यदि ऐसा होगा तो बच्चियाँ कहाँ सुरक्षित है। आज जैसे लव जिहाद का कानून बनाए, वैसे ही अनुसूचित जाति की बच्चियों के लिए कानून बनना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए और फास्ट ट्रैक के अनुसार में न्याय मिलना चाहिए। माननीय डिप्टी कलेक्टर महोदय जी से बात हुई है, उनको ज्ञापन दिया गया, राज्यपाल महोदय जी के नाम का, मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम का, और प्यारे पत्रकार जैसे क्रूर व्यक्ति को जो मुस्लिम समाज के नाम पर धब्बा है, उसे फांसी की सजा मिलना चाहिए। और हिंदुस्तान के अंदर यदि ऐसा कोई भी करे अनुसूचित जाति बच्चियों के साथ, तो उसे न्याय मिलना चाहिए। इस घटना के लिए कहीं ना कहीं मन में ये पीड़ा भी आ रही है कि उसने अपना पावर दिखाते हुए बच्ची के साथ कुछ करवा तो नहीं दिया है। ये बच्ची की दवा का कारण है या उसकी किसी हरकत का कारण है, क्योंकि ऐसे क्रूर व्यक्ति कुछ भी करवा सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरी वाल्मीकि समाज की तरफ से मांग की जाती है कि उसे फांसी की सजा जल्द से जल्द दिलाएं। इसमें ही समाज का सामाजिक समरसता का भाव आएगा, अन्यथा पूरे हिंदुस्तान में रोष व्यक्त किया जाए। बाइट।